और इनफैक्ट अभी तक इसका एक साल भी नहीं हुआ है, और ऊपर से मेरे पास आगे का नंबर प्लेट नहीं है। एक्चुअली मैं अभी हो गया था लंच ब्रेक, तो मैं बाहर आ गया था और मैं अभी बिल देख के आया। लिटरली एक नॉर्मल सर्विस के लिए ना बहुत ज़्यादा था। वैसे गाड़ी में अभी और भी काम है, तो अगर पूरा काम हो जाए उसके बाद बताता हूँ एक्चुअली मैं कितना ज़्यादा बिल बना है। तैयार तो हो चुकी है अपनी बेबी जीएस। सो हे, स्वागत है आपका फिर से इस ब्रांड न्यू वीडियो में, और एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो भाई हम निकल चुके हैं एक नए दिन की शुरुआत करने, और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा खर्चीला वाला होने वाला है, क्योंकि आज हम इसका सर्विसिंग कराने जा रहे हैं और ये इसका थर्ड सर्विस है 20,000 पे, और इनफैक्ट अभी तक इसका एक साल भी नहीं हुआ है। तो आई होप ज़्यादा दर्द ना दे यार। वैसे एज सच इस गाड़ी में हमें मेजर इशू अभी तक तो हुआ नहीं है, अगर मैं इसका जो डिफेक्ट वाली चीज़ को हटा दूँ। बाकी गाड़ी मक्खन है। सबसे बुरी बात तो ये गर्मी है यार, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी सुबह सुबह से ही, और अभी का समय हो रहा है 10:46, और ऊपर से ऐसा रास्ता, और ऊपर से मेरे पास आगे का नंबर प्लेट नहीं है, तो कोई मुझे रोक ना दे भाई बस। वैसे आज सारा काम करवाने का प्लान तो है, बट टाइमली सब कुछ हो जाए, नंबर प्लेट सब का भी आज ही काम करा लूँगा, इसका ब्रेक का भी काम करा लूँगा। अब नहीं आना यार ऐसे रास्ते में, धूप में तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं मैं ये रास्ता आज क्यों लिया। और ये जाम का तो क्या ही कहना, गर्मी और जाम दोनों बहुत ही ख़तरनाक है। बूटी मोड़ से मिश्रा तक ऐसे ही हाल रहता है यार, जब तक कि यहाँ पे और बढ़िया रोड ना बना दे। वाइज़र खोल के चलाता हूँ तो कचड़ा घुसता है यार, और बंद करके चला रहा हूँ तो गर्मी लग रहा है बहुत। तो हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा यार, कि थोड़ा आराम से एसी में बैठते हैं जब तक सर्विस हो जाए, बाकी चीज़ बाद में। बट उससे पहले मुझे फ्यूल अप करवाना है। फ्यूल एक भी काटा नहीं है फ्यूल का, यहाँ पे फ्यूल अप करवाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम भीड़ रहता है। चलो फ्यूल अप तो हो गया, और इधर ट्रैफिक भी थोड़ा कम रहेगा, और जहाँ तक हमें पता है इस बार थोड़ा ज़्यादा खर्चा होने वाला है, बिकॉज 20,000 में मेजर चेंजेस होता है कुछ कुछ। बट ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा कि भाई क्या क्या चेंज होना है। वैसे मैं ब्रेक पैड सब तो BMW का लगाता नहीं हूँ, आगे का तो मेरे पास सिरेमिक ब्रेक पैड है, बस पीछे का मंगवाना है जो कि कुछ टाइम पर आ जाएगा, फिर लगा लूँगा उसे भी। वैसे फ़िलहाल तो चलेगा पीछे का भी, और पता नहीं ये लोग कूलेंट सब भी चेंज करेगा या क्या करेगा, नॉट श्योर। और वैसे ये वाला सर्विस बताए कि हमें रेगुलर कितना खर्चा आने वाला है, बिकॉज नॉर्मली 10,000 तो पहुंच ही जाता है इसका सर्विसिंग, बट लेट्स सी। और अभी तो हम लोग का ऑफ रोड भी पूरे तरीके से बंद है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है कि एग्जॉस्ट ज़्यादा होते हैं, गाड़ी कम चलाते हैं। तो जैसे ही ये एक महीने के बाद धूप सब थोड़ा कम होगा तो हम लोग फिर से निकलेंगे ऑफ रोड के लिए, और अपना लॉन्ग ट्रिप तो है ही। वैसे पता नहीं कुछ लोग इस गाड़ी को सिटी राइड के लिए कैसे ले लेता है, ना ऑफ रोड करते हैं कुछ लोग, ना ही लॉन्ग ट्रिप करते हैं, बस ऐसा गाड़ी ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। वैसे मैं भी अभी तक इसे फुल यूटिलाइज़ नहीं किया हूँ, मतलब जिस पर्पज़ के लिए गाड़ी बना है उसे मैं फुल यूटिलाइज़ नहीं किया हूँ, बिकॉज इससे और भी ज़्यादा ऑफ रोड किया जा सकता है, बट हम उतना लेवल में नहीं किए अभी तक। तो इसी के साथ ही पहुँच चुके हैं ओरमान जी, और जितना समय लगता है उधर ट्रैफिक में ही लगता है, इधर समय नहीं लगता है। निसान BMW स्कोडा, तो अपन चलते हैं स्कोडा में, सॉरी अपन चलते हैं BMW में। तो भाई महंगे जगहों में आ चुके हैं, ओ
ओ ओ ओ अरे यार ये चचा यहाँ क्या कर रहा है, आगे बढ़ो भाई। और एक्चुअली में BMW का बाइक से ज़्यादा कार ही चलता है। ये गाड़ियाँ ज़्यादा दो ही जगह दिखेगी, या तो ये रात में रोड में दिखेगी या फिर सर्विस केयर में खड़ी हुई दिखेगी, बाकी टाइम रेयरली कहीं दिखता है BMW। आई होप ज़्यादा भीड़ ना हो, एक ही गाड़ी दिख रहा है तो हो जाना चाहिए अपन का। सो अभी का टाइम हो गया है 5 और मैं आया था भाई 11 बजे। सो ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटा सिर्फ एक सर्विसिंग के लिए। और वैसे अभी तक बताया नहीं तो आज है बेबी जीएस का बर्थडे, बोले तो आज ही के दिन अपन ने इसका लास्ट ईयर डिलीवरी लिया था और ये अभी चल चुकी है 20,000 किलोमीटर इन 1 ईयर। वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं की बट मेंटेनेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा दर्द दी यार। वैसे अभी सर्विसिंग हो चुका है तो अब सीधे 10,000 किलोमीटर के बाद ही मिलेंगे, सो इट इज़ अ गुड थिंग। सो फाइनली सारा काम तो हो गया यार, तो यहाँ इसे देते हैं गेट पास और निकलते हैं यहाँ से। तैयार तो हो चुकी है अपनी बेबी जीएस। भाई साहब ये तैयार होके आती है तो क्या ही भागने लगती है। देखो खर्चा तो लेती है बट मुझे लगता है जितना मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ इतना में एक सुपर बाइक आराम से मेंटेन हो जाता है, बहुत ही आराम से, क्योंकि इसका भी हर एक पार्ट्स एक्सपेंसिव है, हर एक पार्ट्स प्रीमियम है। एक और बार पुल कर लेते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट जो आज हमें पड़ा, कितना क्या लग गया, क्या क्या जिसमें चेंजेस हुई और क्या क्या होना था क्या क्या नहीं होना था। देखो जो सबसे पहला बेसिक सर्विस ये अभी चल चुकी है 20,000 और आज जाके इसका पूरा हुआ है 1 साल। तो बेसिकली या तो साल पहले आ जाए या फिर किलोमीटर पहले आ जाए, तो मेरा ऑब्वियसली किलोमीटर पहले आ चुका था। इसमें मेजरली क्या क्या चेंजेस हुआ वो बताता हूँ। इसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ, इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर, फिर जितना भी फ्लूइड होता है चाहे ब्रेक फ्लूइड हो चाहे वो रेडिएटर का फ्लूइड हो, स्पार्क प्लग, ये था बेसिक। मैंने बोल रखा था कि भाई मुझे ब्रेक पैड मत चेंज करना क्योंकि मेरा ऑलरेडी अभी ये कुछ और टाइम चलने वाला है और मैं जो ब्रेक पैड यूज़ करता हूँ वो सिरेमिक यूज़ करता हूँ। और इसके साथ ही एक और जिसमें ज़्यादा खर्चा हुआ वो था इसका सस्पेंशन, आगे का दोनों सस्पेंशन का ऑयल चेंज हुआ। नॉर्मली जो BMW बोलता है कि इसका 20,000 में चेंज होना चाहिए बट आई बिलीव जब तक आपका लीक नहीं हो रहा है, जब तक आपको फील नहीं हो रहा है कि चेंज कराना चाहिए तब तक चल सकता है। तो ये एक ज़्यादा खर्चा वाला सर्विस हो गया आज। और जो टोटल हम पे किए वो था 16,396 रुपीज़ सर्विस कॉस्ट, थर्ड सर्विस कॉस्ट। तो समझ सकते हो भाई एक 300 सेगमेंट सीसी की गाड़ी के लिए इतना पे करना एज अ सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे आज अपन को बहुत सारा काम कराना था बट इतना ज़्यादा यहीं पे टाइम लग गया कि बाकी काम आज करा नहीं पाएंगे। बट कोई नहीं, एटलीस्ट इसका मेजर वाला काम, सर्विस वाला काम तो हो गया, बाकी तो भाई जैसे जैसे समय मिले हो ही जाएगा। अरे लोग लेफ्ट राइट क्यों कर रहा है भाई, सीधा सीधा चलो यार, क्या तकलीफ है इस सज्जन को। एक तो हमें जाने का टाइम हमें ट्रैफिक मिला और हम जिस टाइम में अभी वापस जा रहे हैं इस टाइम भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि एक तो ऑफिस वाला लोग, घर वाला लोग, ऊपर से गर्मी है तो शाम में ही लोग निकलते भी है, बहुत दिक्कत है भाई बहुत। बाप रे कितना ज़्यादा जाम था यहाँ, तो इसको इधर जाना है या इधर जाना है भाई। फिर से खींचते हैं। हो
वैसे इसका एक सर्विस कराने के बाद पूरा पॉकेट टाइट हो जाता है, अब तो ये पूरा महीना पॉकेट टाइट ही रहने वाला है। वैसे ज़्यादा कुछ तो और नहीं है इस वीडियो में, जो था ये मेरा सर्विस एक्सपीरियंस। वैसे टाइम रहा तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, बट अगर नहीं है तो देखते हैं। और इसके अलावा तो और कुछ खास है नहीं इस वीडियो में, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। यार पसंद आया हो तो भाई लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार। और ये सर्विस कॉस्ट जान के किसका किसका दिल कह रहा है कि वो लोग BMW ओन करे, वो भी छोटा सेगमेंट, तो ज़रूर बताना यार। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय और सायोनारा।